स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारे पास आई एम टू गो और आई हैव टू गो, यानी इसमें से कौन सा सेंटेंस ठीक होगा। अक्सर हम लोग बोलते हैं आई हैव टू गो कि मुझे अब जाना है, आई एम टू गो मुझे अब जाना है, तो ये भी ठीक लग रहा है और ये भी ठीक लग रहा है। तो जी हाँ, ऐसा ही है। सेंटेंस हम जब लिखें आई एम टू गो तो ये भी ठीक है कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो ये भी ठीक है कि मुझे जाना है। यानी इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल हम डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस इज एम आर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने रूल लिख लिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी वन लिखा, वी वन स्टैंड फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम टू गो है तो यहां सब्जेक्ट है आई, आई एम टू गो, I am to go, मुझे अब जाना है, कहाँ जाना है, I am to go to, go to school, कि मुझे स्कूल जाना है। अब यहां अगर बात करें सब्जेक्ट के बाद has या have लगाएंगे, ये प्रेजेंट की बात हो रही है अभी, ठीक है, ये भी प्रेजेंट की बात है, ये भी प्रेजेंट की बात है, has और have लगाएंगे। उसके बाद प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये जो सेंटेंस लिखा मैंने आई एम टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं आई हैव टू गो टू, आई हैव टू गो टू स्कूल, कि मुझे स्कूल जाना है। यानी सेंटेंस दोनों कंडीशन में ठीक है, आई एम टू गो टू स्कूल भी ठीक है, I have to go to school भी ठीक है कि मुझे स्कूल जाना है। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में ये कंडीशन भी हम बोल सकते हैं और प्रेजेंट टेंस में ये कंडीशन भी हम बोल सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज करते हैं, she के साथ is am are, she is to play, she is to play with toys, और sentence यूं भी लिख सकते हैं she has to play with toys, यानी she is to play with toys और she has to play with toys, दोनों condition में sentence ठीक है। ये present tense की हम बात कर रहे हैं। पास्ट में जब बात करेंगे, पास्ट की तरफ आते हैं, पास्ट में जब बात होगी तो रूल फॉलो करते हैं सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट के साथ हम वाज या वर लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ वाज या वर, उसके बाद टू प्लस वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना था, माजी की बात हो रही है, I was to go to school, मुझे स्कूल जाना था। She was to play with toys, उसे खिलौनों से खेलना था, She was to play with toys, She was to play with toys। अब अगर यहां पे इस कंडीशन में बात करें पास्ट में, तो सब्जेक्ट पहले रूल फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आई वाज टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना था, आई हैड टू गो टू स्कूल, कि मुझे स्कूल जाना था। ज्यादातर हम ये सुनते हैं या ये बोलते हैं, लेकिन ये भी बोलेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये भी बोला जा सकता है, ये भी एक रूल है। अब इसी तरह से शी हैड टू प्ले विद टॉयज, शी हैड टू प्ले विद टॉयज,
अब इसमें स्टूडेंट्स याद रखने वाली जो चीज है वो ये रूल है कि प्रेजेंट में ये रूल फॉलो करेंगे अगर प्रेजेंट की बात करें, या आप प्रेजेंट में इस रूल को फॉलो करेंगे, पास्ट में ये रूल है और या पास्ट में आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे। यानी दोनों कंडीशन हमारे पास सेम है, हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यानी आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना था, मुझे घर जाना था, मुझे क्रिकेट खेलना था, मुझे खाना खाना था, आई हैड टू ईट, मुझे खाना था, या मुझे कोई काम, कोई भी काम करना था, तो हैड टू इस्तेमाल होगा, या वाज टू या वर टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर की तरफ आते हैं। फ्यूचर में विल शैल का इस्तेमाल करेंगे, यानी सब्जेक्ट के साथ, सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना होगा। और अब यहां पे क्या होगा फ्यूचर में, रूल लिखते हैं पहले, सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई विल हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना होगा। अब मुझे खेलना होगा, मुझे गाड़ी चलानी होगी, या मुझे गाड़ी चलानी है, आई एम टू ड्राइव अ कार, आई हैव टू ड्राइव अ कार, मुझे गाड़ी चलानी थी, आई वाज टू ड्राइव अ कार, मुझे गाड़ी चलानी थी, इस कंडीशन में आई हैड टू ड्राइव अ कार, या आई विल हैव टू ड्राइव अ कार। तो इन शॉर्ट के आप ये भी बोल सकते हैं और आप ये भी बोल सकते हैं, जो आपको इजी लगे। दोनों कंडीशन ठीक हैं, प्रेजेंट में ये कंडीशन भी है और प्रेजेंट में ये कंडीशन भी फॉलो कर सकते हैं।